कि दोनों को अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करनी चाहिए और उनमें से कोई भी अपनी जिम्मेदारियों से इनकार नहीं कर सकता। इसी तरह दोनों के हकूक भी हैं। उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए फरमा आ गया माना मुन्ना की सूरत निकाले हिंद, औरतों के हकूक भी हैं और इसी तरह उन पर जिम्मेदारियां भी हैं। यही आज मतों के बारे में यह कहा गया कि उनकी भी जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों का अदा करना उनके लिए जरूरी है। खानदान का जो सिस्टम इस्लाम ने बताया है, निकाह से लेके औलाद की परवरिश, तालीम, तरबियत, बीवी के हकूक और माँ बाप के हकूक, रिश्तेदारों के हकूक, इन सब की वजाहत करने का मौका नहीं। मुझसे ये कहा गया है कि कानून विरासत के बारे में इस्लाम ने जो अहकाम दिए हैं उनकी कुछ वजाहत की। इसमें यह बात भी याद रखिए, विरासत का ताल्लुक उस माल से है जो आदमी के इंतकाल के बाद बाकी होता है। जिंदगी में विरासत तकसीम नहीं होती। एक आदमी है, लाखों का मालिक है, लेकिन वो अपने माल का खुद मालिक है, उस पर किसी का हक नहीं है। जिसके पास ये माल है, चाहे वो औरत के पास हो या मर्द के पास हो, उसका माल नहीं है। जिंदगी में विरासत तकसीम नहीं होती। विरासत तकसीम होती है मरने के बाद। आदमी जब मर जाए तब उसके माल का देखा जाएगा और वो विरासत में तकसीम होगा। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि कहते हैं कि साहब जिंदगी में हमने विरासत तकसीम कर दी या मुतालबा शुरू कर दिया जाता है, ये सही नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा है कि जिसका माल है वही उसका मालिक है और उसे अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च करने का हक है। वो किसी को दे सकता है, किसी को कम दे सकता है, किसी को ज़्यादा दे सकता है। अलबत्त उसे कहा गया है कि औलाद के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि आदमी के मरने के बाद उसके माल की विरासत से पहले भी देखा जाएगा कि आदमी का जो माल है, पहला हक यह है कि उसके माल से उसकी तजहीद व तकफीन हो। आदमी का इंतकाल हो गया, कभी कभी दूर दराज इलाकों में भी इंतकाल हो जाता है, पास से जाना पड़ता है, उसे जाना देना, ये तमाम अखराजात असलन उसके माल से होनी चाहिए। लेकिन अगर उसके औलाद खर्च कर देती है तो हक है, लेकिन अगर कोई खर्च करने वाला नहीं है तो उसका माल मौजूद है, उसके माल ही से सबसे पहले उसका मरने के बाद उसके कफन दफन का इंतजाम होता है। दूसरी बात यह है कि यह देखा जाएगा कि उस पर कोई खर्च तो नहीं है, खासतौर पर बड़े बड़े कारोबार नहीं खर्च छोड़ के बनते हैं, उनका हिसाब किया जाएगा और कर्ज अदा किया जाएगा। ऐसा नहीं कि मरने के बाद माल है तकसीम होना शुरू हो, बल्कि पहले कर्ज अदा किया जाएगा और जो भी उसका कर्ज है उसमें ऐसा कर्ज भी हो सकता है कि फौरन अदा करने का हो, तो ऐसा कर्ज भी हो सकता है लेकिन उसका हिसाब किया जाएगा और देखा जाएगा कितना माल है, इस माल में से इसका इतना कर्ज। तो विरासत की तकसीम से पहले दूसरी चीज देखी जाएगी वो ये है कि उसका बाप ऊपर कोई खर्च है या नहीं, और उसके बाद देखा जाएगा कि उसने कोई वसीयत की है या नहीं। वसीयत के माने ये है कि आदमी मरने से पहले जुबानी भी वसीयत कर सकता है और तारीख भी लिख सकता है कि मेरे माल से फलाश को इतना पैसा दे दिया जाए या मेरे